दोस्तों कैसे हो आप सब। मेरा नाम रविंदर और भाई स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा एस सी एन जी के बारे में। भाई न्यूली लॉन्चिंग प्रोडक्ट है हुंडई का, काफी अच्छा मार्केट से इसमें रिव्यू आ रहा है, काफी अच्छी डीलर्स के पास इसकी बुकिंग भी काफी अच्छी हो रही है। भाई आई टेन नियोस के सिमिलर प्राइस पे हमें ये देखने के लिए गाड़ी मिल जाती है और भाई बॉक्सी सी कार है और अच्छे फीचर्स के साथ लेस आपको ये गाड़ी मिलती है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको गाड़ी के अंदर मिल जाता है, बेटर बिल्ड क्वालिटी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। और भाई प्राइस की बात करें तो भाई प्राइस जो इस गाड़ी का मात्र 8,23,990 रुपए एक्स शोरूम कीमत सीएनजी के अंदर है। वहीं भाई अगर पेट्रोल की बात करें तो भाई 7,26,000 रुपए मात्र गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत है, इतने ही तो आई टेन स्पोर्ट्स की कीमत है। लगभग सेम रेट पे आपको अच्छी गाड़ी मिलती है और अच्छे फीचर्स देखने के लिए गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं और इस प्राइस रेंज में भाई बहुत ही अच्छी कार आपको देखने के लिए मिलती है। और अब बात करते हैं भाई गाड़ी के अंदर हमें क्या फीचर्स मिलते हैं इतनी कीमत देने के बाद। क्या इस गाड़ी को लेने के लिए जो 7,26,000 रुपया या फिर अगर सीएनजी में बात करें 8,23,000 रुपये देने के लायक है या नहीं है, उसके बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं। वीडियो बड़ी ध्यान से देखना भाई, आपके लिए बड़ी काम की वीडियो ये हो सकती है क्योंकि गाड़ी भाई बार बार नहीं ली जाती, तो सोच समझ कर लेना। तो एक बार इस वीडियो को देख लो, आपके सारे डाउट लगभग सारे क्लियर हो जाएंगे। तो भाई बात कर लेते हैं गाड़ी के फ्रंट से। तो फ्रंट से जो भाई इस एक्टर को एट्रैक्टिव लुक दे रहा है वो है इसकी ये डीआरएल लाइट। एच शेप के अंदर जो आप ये डीआरएल लाइट देख रहे हो ये इसको भाई काफी एट्रैक्टिव बना रहा है। और उसके बाद ये जो पूरी एज करके जो इसकी लाइट दे रखी है ना काफी अच्छी लग रही है और बहुत ही मस्कुलर सा लुक आता है। अब देखो भाई इसका फ्रंट से लुक काफी अच्छा लुक आ रहा है। अब देखो क्या कहना है इसके लुक का, भाई फ्रंट से ना बवाल बना रखी गाड़ी और भाई बहुत बेहतरीन लुक आ रहा है यार। आप खुद देखो कितना क्या मस्कुलर सा लुक आ रहा है गाड़ी का। Hyundai का लोगो आपको बीच में मिल जाता है जो कि कोरियन कंपनी का सिंबल है और एक्स्ट्रा आपका बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। और भाई बात करें हेडलाइट की तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर नहीं मिलती, आपको नॉर्मल हैलोजन हेडलाइट देखने के लिए मिलती है। और ग्रिल की बात करें तो भाई ब्लैक कलर के अंदर आपको ग्रिल देखने के लिए मिलती है, काफी अच्छा लुक इससे हमें देखने के लिए गाड़ी में मिल जाता है। और नीचे बात करें भाई स्किड प्लेट की तो सिल्वर फिनिशिंग में दे रखी है लेकिन थोड़ी सी लुक के लिए दे रखी है, बाकी कोई यूज नहीं है इसका। काफी अच्छा लुक इससे हमें देखने के लिए मिला। भाई एक बार फिर से बोलूंगा कि फ्रंट से गाड़ी का जो लुक है वो ऑसम है और भाई आपको पहले झटके में ही गाड़ी देखती फ्रंट से पसंद आ जाएगी। अभी बात करते हैं भाई गाड़ी के टायर साइज की, तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको क्या टायर साइज मिलता है जो कि ये वेरिएंट है एस, और इसमें भाई टायर साइज जो हमें मिलता है गाड़ी के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई जो टायर है इसका उसकी प्रोफाइल है 165/70R 14 इंच का हमें टायर देखने के लिए मिलता है। व्हील कवर आपको इसमें प्लांट फिटेड मिलते हैं और फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए गाड़ी में मिल जाते हैं। अब बात करें भाई इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर आपको फेंडर पे ही देखने के लिए गाड़ी में मिल जाएगा और जो ये मिरर है ये आपके हाथ से आपको फोल्ड करने पड़ेंगे, एडजस्ट आप इनको इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई साइड लुक की, तो साइड से देख लो भाई ये इसका साइड लुक है। थोड़ा सा आपको ढंग से दिखा देता हूँ, काफी अच्छा लुक इसमें देखने के लिए मिल रहा है गाड़ी में। ये थोड़ा सा और अलग साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, तो भाई ये कुछ साइड लुक है कार का और काफी अच्छा लुक इससे आता है। सबसे जो मेन चीज है ना अलग से दिखेगी आपको गाड़ी में वो भाई इसकी जो एजेस है ना यहाँ से थोड़ा सा उठा रखा है गाड़ी के अंदर, ये भाई थोड़ा सा अलग दिखता है गाड़ी के अंदर और इससे अच्छी लुक गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। और जो भाई ये जो फिनिशिंग है ना ये जो लाइन्स आप देख रहे हो ये अलग से दिखती है गाड़ी के अंदर और भाई जो लुक है ना इनसे बहुत बेहतरीन आपको देखने के लिए मिलती है। अब फ्रंट से लुक तो आपने देखी है, फ्रंट की जो आपको मैंने डीआरएल लाइट दिखाई थी अब ऐसी ही डीआरएल लाइट आपको पीछे भी देखने के लिए मिलती है जिससे बहुत बेहतरीन लुक आपको देखने के लिए गाड़ी में मिल जाती है। अब मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ रियर से, तो भाई ये है कार का रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल से भी काफी अच्छी गाड़ी लग रही है, नो डाउट फ्रंट से काफी अच्छी है, रियर से भी काफी अच्छी लग रही है गाड़ी। बाकी आपका ओपिनियन क्या है भाई, आपको गाड़ी फ्रंट से अच्छी लगी या रियर से, एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अब बात करते हैं भाई हाईलाइटेड जो फीचर है इसका, मतलब इसकी जो टेल लाइट के अंदर देखोगे वहां पे भी भाई पूरा एलईडी आपको एच शेप में देखने के लिए गाड़ी के अंदर मिल जाता है, इससे काफी अच्छी लुक आपको देखने के लिए गाड़ी में मिल जाती है। अब भाई बात करते हैं एंटीना की, तो भाई नॉर्मल एंटीना मिलेगा, डंडे वाला शार्फिन नहीं मिलेगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ मिल जाती है, डिफोकर वाइपर कहीं पे भी कुछ आपको देखने के लिए गाड़ी में नहीं मिल जाती है। यहाँ पर आपको सीएनजी की बैजिंग देखने के लिए मिलती है और भाई ब्लैक कलर के अंदर आपको ये जो पूरा पार्ट देख रहे हो काफी अच्छा लुक आपको देखने के लिए गाड़ी में मिल जाता है। बाकी भाई पर्सनली एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि भाई एक्स्ट्रा जो एक इसका जो लॉन्चिंग कलर आया था रेंजर खाकी, उसमें और व्हाइट कलर में जो थोड़ा सा एसयूवी और बल्कि जो लुक आ रहा है ना वो भाई व्हाइट के अंदर आ रहा है, आपको खाकी में थोड़ा जितना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि व्हाइट के अंदर है ना प्रॉपर एक एसयूवी वाला फील आ रहा है। वो क्यों आ रहा है कि जो भाई इसकी जो साइड ग्लाइडिंग आप देख रहे हो इससे प्रॉपर एक एसयूवी वाला फील मिलता है गाड़ी के अंदर और काफी अच्छा मस्कुलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं भाई सीएनजी के अंदर बूट स्पेस कितना बचता है वो देख लेते हैं। डिग्गी खोलने के लिए भाई बूट खोलने के लिए आपको यहाँ पर मैग्नेटिक स्विच देखने के लिए गाड़ी के अंदर मिल जाता है यहाँ पर, और ये दो लाइट नंबर प्लेट के लिए आपको यहाँ मिलती है।
अब भाई पार्सल ट्रे यहाँ प्लांट देता है आपको। अब भाई ये आप सिलेंडर देख रहे हो सीएनजी का, और यहाँ पर भाई जो बूट स्पेस है वो ना मात्र है, बाकी पिट्ठू बैग वगैरह आप यहाँ रख सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से यूज़ में नहीं आएगी। पार्किंग सेंसर आपको कंपनी फिटेड देखने के लिए गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, और भाई बूट को बंद करने के लिए जिसकी हाइट थोड़ी सी डाउन है तो यहाँ से पकड़ के भी इसको बंद कर सकता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी में ये गाड़ी अच्छी है, काफ़ी वेट भी है, डोर्स वगैरह में जैसे अपन ओपन करते हैं तो पता लग जाता है, तो बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी अच्छी आपको गाड़ी दिखने वाली है। अभी हमने सारे फीचर्स देखे, अभी हम चलते हैं कार के इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर में भी देखते हैं भाई क्या कुछ फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इंटीरियर में जाने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया ना दोस्तों, तो फटाफट जो सब्सक्राइब बटन है आपके सामने रेड कलर में आ रहा है उसे प्रेस कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करना ऑन करना मत भूलना। अभी चलते हैं इंटीरियर में। तो भाई ड्राइवर साइड डोर पे आपको चारों पावर विंडो या आपके सारे सेंटर लॉक के बटन है, मिरर आपके इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल के बटन देखने के लिए मिलते हैं। चारों डोर्स के अंदर आपको स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं, ट्विटर कंपोनेंट आपको देखने के लिए गाड़ी में नहीं मिलते हैं। अब एस वेरियंट में ड्राइवर साइड की जो आप ये सीट देख रहे हो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो अप एंड डाउन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद भाई सीएनजी का जो आपको कन्वर्टर है वो यहाँ देखने के लिए मिलता है, पेट्रोल और सीएनजी में जैसे हिसाब से आपको कन्वर्ट करनी है। अब बात कर लेते हैं भाई गाड़ी की। तो भाई ये स्मार्ट की आपको देखने के लिए मिलती है, और दूसरी ये भाई आपको ये नॉर्मल मिलती है। ये फोल्डेबल की है और आपको यहाँ से इसको फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, यहाँ से लॉक अनलॉक और रिबूट होल्डिंग का ऑप्शन आपको देखने के लिए गाड़ी में मिल जाता है। तो भाई ये कुछ इसका इंटीरियर है, और भाई इंटीरियर देख के आपको i10 और ओरा की याद आ गई होगी। ओरा और i10 की सिमिलर सा लुक आपको देखने के लिए मिलता है इंटीरियर के अंदर, वही सेम डिस्प्ले वह सब कुछ। तो इंटीरियर आपके लिए नया नहीं होगा, आप ये इंटीरियर ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो ड्यूल टोन में आपको इंटीरियर देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर सिल्वर और ब्लैक कलर की फिनिशिंग है। उसके अलावा भाई आपको यहाँ टच स्क्रीन कंफर्टमेंट देखने के लिए मिल जाता है। कैमरा इस गाड़ी में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, ऑटो एसी भी नहीं मिलता, नॉर्मल हाथ से एसी मिलेगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सारे आपको यहाँ मिलते हैं। वॉइस कनेक्शन का बटन आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। उसके बाद भाई स्टीयरिंग व्हील भी फिक्स मिलता है, आपको टिल्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, ना ही टेलीस्कोपिक। MID की स्क्रीन की डिस्प्ले आपको यहाँ पर शो होगी, डिजिटली देखने के लिए मिलती है गाड़ी के अंदर। यहाँ पर कप होल्डर देखने के लिए मिलते हैं, आरएम असिस्ट गाड़ी में नहीं आता है। और भाई यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट भी देखने के लिए गाड़ी के अंदर मिल जाता है। ब्लूटूथ की माइक की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है, कैबिन लाइट आपको यहाँ एक देखने के लिए गाड़ी में मिल जाती है। उसके अलावा भाई सेफ्टी पर्पज से इसके अंदर 6 एयरबैग आपको देखने के लिए मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है, ABS CVD स्टैंडर्ड आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई इस गाड़ी के अंदर जो स्पेस है ना वो जबरदस्त है। हेडरूम की बात करें भाई 6-6.5 फुट का बंदा बैठा दो आप, खूब आपको जो इसमें हेडरूम है वो देखने के लिए मिल जाता है। लेग रूम, थाई सपोर्ट, सब कुछ एक नंबर इस गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब रियर वाली सीट पे एक बार थोड़ा सा स्पेस और देख लेते हैं क्या कुछ हमें देखने के लिए मिलता है। तो भाई पीछे भी आपको जो थाई सपोर्ट है वो अच्छी मिलती है, हेडरूम लेग रूम भाई बहुत बिंदास मिलता है, बहुत बढ़िया मिलता है इसके अंदर, है ना, कहीं पे भी स्पेस की कमी आप इसमें नहीं होने वाली है। रियर एसी का कुछ लुक है, पीछे चार्जिंग करने के लिए सॉकेट है, रियर के हेडरेस्ट आपको एडजस्ट मिलते हैं, फ्रंट के एडजस्ट नहीं मिलते हैं। भाई इंजन की बात करें तो इंजन इसमें वही 1200cc 4 सिलेंडर का इंजन देखने के लिए मिल जाता है, और जो कि i20 i10 में आ रहा था वही सेम इसमें मिलता है, देखने कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं देखने के लिए मिले हैं। अब दोस्तों आप हमें इस वीडियो में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों भाई वीडियो अच्छी लगी हो ना आपको तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, और मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।